चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन बंडलगुड़ा में ये वाक्या हुआ। इसमें एक लड़की को, एक खातून को ब्लैक मैजिक के नाम पे एक आदमी ने उसको अपने काबू में लिए और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट भी किए। एक खातून फलकनामा चंद्रानगुट्टा के रहने वाली, कई साल पहले उनकी मदर की तबीयत में थोड़ी खराबी आई। उस टाइम पे ये आदमी जो हसन अस्करी है उस पर उसको अप्रोच किए और उस टाइम पे वो कुछ ब्लैक मैजिक तावीज़ वगैरह करा के उस लड़की को, उस खातून की कॉन्फिडेंस गेन किया। उस टाइम पे जब मदर की तो तबीयत ठीक हो गया तो उस पर एक्यूज़ पर खातून की बहुत उस पर डिपेंड होने लगी, उस पर कॉन्फिडेंस उसमें आ गए और किसी भी चीज़ के लिए उसी से सलाह लेती थी और उसी की सलाह पर वो हस्बैंड को भी डाइवोर्स कर दी, उसी की सलाह पर उसकी घर भी बेच दी। ये उसको बोला कि उसकी एक बार तबीयत जब ख़राब हुई तो उनकी शौहर की वजह से, शौहर की इन्फ्लुएंस से इनको ये बीमारी हुई और उसकी घर जो है वो ठीक नहीं है, उसकी प्रॉब्लम से इनका प्रॉब्लम आया, घर के इश्यू से उनको प्रॉब्लम आया, वो घर भी बेच ली और हस्बैंड से भी डिवोर्स ले ली। और जब ये अकेली रह रही उनको उसको ब्लैक मैजिक करवा के उनको हिप्नोटाइज़म बोल के उसको उस पर अपने काबू में लिए और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट भी बहुत बार किए और उनको जानने वाली एक लड़की को भी ऐसा ही किया। और उसके रिलेटेड यह आदमी अफरोज़ वो भी इन खातून को, खवातीन को एक्सप्लॉइट किया। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आज के दिन में भी ऐसी चीज़ों पर आवाम उस पर डिपेंड हो रहे हैं।